हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनियक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेस्ट लैपटॉप फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में। मैंने परचेज कर लिया है एक न्यू लैपटॉप अपने लिए। वैसे तो मैं लैपटॉप का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने लैपटॉप परचेज करा है बिकॉज हो सकता है अभी कुछ दिन के लिए, एक दो महीने के लिए मुझे अपने घर से बाहर जाना पड़े। एंड तब तक जब मैं बाहर रहूँगा सो मैं पीसी तो अपना उठा के नहीं लेके जा सकता, सो मुझे रिक्वायरमेंट होगी एक लैपटॉप की जिस पे मैं काम कर पाऊँ। ऑफिस का लैपटॉप है बट उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, म्यूजिक का होता है, वीडियो का होता है, सो वो काम पेंडिंग ना रह जाए इसलिए मैंने परचेज करा है एक न्यू लैपटॉप। अब लैपटॉप कौन सा है तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द लैपटॉप। लैपटॉप का बॉक्स है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। आप में से काफी सारे लोग समझ गए होंगे, फिर से दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे इस लोगो को देख के। सो ये है ASUS, ASUS, कुछ लोग ASUS बोलते हैं, कई लोग ASUS बोलते हैं, वॉट एवर इज द ब्रांड नेम। मॉडल है इसका A15 एंड ये 2022 मॉडल है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि जो पुराना वाला मॉडल है सेम लैपटॉप का A15 का ही 2021 या फिर 2020 वाला मॉडल है वो परचेज कर लूं, लेकिन जब मैंने दोनों को कंपेयर किया सो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, 25% का डिफरेंस था। उसमें जो प्रोसेसर है वो है राइजन 7 4800H एंड इसमें जो प्रोसेसर है वो है राइजन 7 6800H। दोनों में जो डिफरेंस है परफॉर्मेंस का वो है 25% का, एंड अगर प्राइस की बात करें सो दोनों में जो डिफरेंस है वो है 25,000 का। सो मैंने सोचा क्यों ना 25,000 ज़्यादा दे के 25% हम परफॉर्मेंस ले लें। सो ये फाइनली मैंने परचेज कर लिया है लैपटॉप, अमेजोन से परचेज करा है एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमेशा की तरह। इसके साथ मैंने और भी एक चीज़ परचेज करी थी, वायरलेस माउस, सो इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको चेक कर सकते हो। सो बॉक्स को करते हैं ओपन। अबे ओए नौटंकी मत दिखा, डब्बा तो खाली है। ऑलराइट, सो बॉक्स में कुछ नहीं था, बॉक्स खाली है, लैपटॉप पड़ा है यहाँ पे। थोड़ी सी मजाक चलती है यार, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है मजाक। सो दिस इज द लैपटॉप। ये लैपटॉप है बहुत ही, मतलब जो इसके फीचर्स हैं टॉप, एकदम टॉप क्लास फीचर्स हैं, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्क्रीन इसमें आपको मिलती है, वैसे ये गेमिंग लैपटॉप है, स्क्रीन आपको मिलती है 1080 की फुल HD स्क्रीन है, 144Hz इसका रिफ्रेश रेट है। ये स्क्रीन रिफ्रेश रेट हमें तब रिक्वायरमेंट नहीं होगा म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में ये चीज़ भी आती है, सो इसकी भी प्राइस आपको देनी ही पड़ेगी। देन उसके बाद यहाँ पे वेबकैम भी मिलता है। अगर इसकी मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें सो 16GB इसमें रैम है जो कि मैं आगे जाके अपग्रेड करने वाला हूँ। 16GB यहाँ पे जो रैम है, 8 GB की दो स्टिक्स हैं इसमें, आगे जाके मैं इसको 32GB करूंगा, सो ये दोनों 8GB की मेरे को निकालनी होगी और 16 GB की दो इसमें मेरे को रैम लगानी होगी। इसमें रैम इजीली आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई भी आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। स्टोरेज की बात करें सो इसमें 512GB की SSD स्टोरेज है, M.2 यहाँ पे आपको स्लॉट भी मिलता है, एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है। वैसे मैं 1TB वाला प्रेफर कर रहा था बट वो अवेलेबल ही नहीं था, सो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं, बाद में इसमें 2TB की एक जो है SSD ऐड कर लेंगे। एंड मैं आपको बता चुका हूँ पीछे से पूरा बैक पैनल ये निकल जाता है, कोई भी वारंटी वॉइड नहीं होती है, इसको आप घर पे भी कर सकते हो या फिर कंप्यूटर शॉप पे भी जाके करवा सकते हो। तो ऑलमोस्ट आप इसमें मानो 25,000 के ऑलमोस्ट, 25-26,000 के ऑलमोस्ट इसमें खर्चा और है जो कि अभी मैं थोड़े टाइम में इसमें करने वाला हूँ। ग्राफिक्स की बात करें सो इस लैपटॉप में हमें मिलता है NVIDIA का RTX 3050 GPU। अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन को देखोगे सो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, शायद आप यही सोच रहे हो, लेकिन मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था, उस वीडियो का लिंक आपको कार्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। जैसे ही आप अपनी हैवी प्लगइन्स को यूज़ करते हो सो वो आज के टाइम में आपका जो GPU है उसकी प्रोसेसिंग को भी यूज़ करती हैं, प्रोसेसर भी एज वेल एज आपका जो ग्राफिक कार्ड होता है उसकी प्रोसेसिंग भी जो प्लगइन्स होती हैं वो लेती हैं। बिकॉज दिखने में अगर आप देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा जो DPI है वो हाई हो चुकी है प्लगइन्स की, अगर मैं बात करूँ वेव्स की या फिर अगर आर्टूरिया की जो प्लगइन्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर एकदम दिखती है आपको प्लगइन, जब आप ऐड करोगे आप वैसे ही देख सकते हो। सो वहाँ पे GPU की यूजेज भी होती है इन प्लगइन्स को। स्क्रीन साइज में बताना भूल गया था, सो 15.6 inches की इसकी स्क्रीन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है। मेन जो मैंने इस लैपटॉप को प्रेफर करा है वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे इस लैपटॉप में जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो है मिलिट्री ग्रेड का,
मतलब सिर्फ जस्ट आप इस लैपटॉप को पकड़ोगे ना, तभी आपको फील हो जाएगा कि हाँ आपने कुछ पकड़ा है। मेरे पास और भी लैपटॉप्स हैं, पुराने भी लैपटॉप्स हैं, ऑफिस का भी लैपटॉप है, लेकिन जैसे ही आप इस पे हाथ रखते हो ना, बिल्ड क्वालिटी का आपको पता चलता है, बिल्कुल भी कहीं से भी ये चीप फील नहीं होता है। एंड जो इसका फ्रंट है वो है स्टील ग्रे, ये मेटल का है। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक ब्लैक है, ब्लैक में आपको प्लास्टिक मिलता है, लेकिन ये जो स्टील ग्रे है उसमें जैसा कि नाम है सो उसमें आपको स्टील मिलती है, मेटल मिलता है फ्रंट में। तो लैपटॉप की बात तो हमने काफी सारी कर ली है, अब बात करते हैं कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए आपको किस टाइप का लैपटॉप चाहिए, या फिर अगर मैंने ये लैपटॉप लिया है तो क्या रीजन है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने लैपटॉप परचेज करा है वो सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए नहीं करा है। मेरा जो काम था वो वीडियो एडिटिंग एज वेल एज म्यूजिक प्रोडक्शन का था, सो दोनों चीजों को मैंने देखते हुए इस लैपटॉप को चूज करा है। अब आप कहोगे यार ये अगर आप वीडियो एडिटिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन देख रहे हो सो काफी आपने हल्की जो है कॉन्फ़िगरेशन ली है। सो देखो बजट भी होता है, मेरा बजट था अराउंड 1 लाख के आसपास, वैसे था मेरा बजट 75,000 से 80,000 का, लेकिन आपको पता है जब भी मैं कुछ चीज़ लेने जाता हूँ बजट इंक्रीज हो ही जाता है, थोड़ा सा ऊपर ही लेना चाहिए। सो 1 लाख के अराउंड मेरा बजट हो गया था, सो मैंने ये लैपटॉप लिया। इससे ऊपर जाने का कोई भी सेंस मुझे नहीं लग रहा था बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक पीसी है। नाउ स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट कि म्यूजिक प्रोडक्शन में आपको क्या लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप रिक्वायरमेंट होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। अगर बात करें FL स्टूडियो में, सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो विंडोज 8, 10 और 11 चाहिए होगा। देन उसके बाद जो आपकी स्टोरेज है वो इसको 4GB चाहिए, रैम चाहिए 4GB। और उसके बाद अगर CPU की बात करें सो यहाँ पे लिखा है द मोर पावरफुल योर CPU द मोर इंस्ट्रूमेंट्स एंड इफेक्ट यू कैन रन। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखो अगर आज के टाइम में आप 20-25 हज़ार का लैपटॉप लोगे तो आई एम सॉरी, अगर आपका बजट उठता है एंड आप उस टाइप का लैपटॉप ले रहे हो, उस रेंज का लैपटॉप ले रहे हो, तो आई एम सॉरी वो लैपटॉप आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, एट एनी कॉस्ट आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। आप उसमें रैम अपग्रेड करा लो या फिर कुछ भी करवा लो, आपको एक अच्छा CPU चाहिए होगा। आज के टाइम में मिनिमम आपको i5 से स्टार्ट करना चाहिए, i3 बिल्कुल भूल जाओ। i3 पे अगर आप सोच रहे हो कि आज आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ और भी देखनी है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ चीज़ परचेज करी है लैपटॉप, चाहे आपने 30-40 हज़ार का ही परचेज करा है, तो वो जस्ट आप 1-2 सालों के लिए करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम जो इसकी लाइफ होती है वो 5 साल तो होती है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 5-6 साल। उससे पहले तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना किसी लैपटॉप में, चेंज तो नहीं करोगे ना। सो हमेशा आपको चीज़ देखनी चाहिए कि आगे जो आने वाला टाइम है उसमें जो प्लगइन्स आएंगे क्या आप यूज़ करोगे। एंड प्लगइन्स को भी भूल जाओ, आपका जो काम है आज जो आप काम कर रहे हो वो ऐसा नहीं है आप वही करते रहोगे, आप हमेशा अपग्रेड करोगे। कोई भी होता है चीज़ें नई सीखता है, काम ज़्यादा ही होता है, कभी कम नहीं होता है। आज आप कुछ चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ दिन के बाद आप उसमें और एड ऑन करोगे, वो ऑटोमेटिकली सबके साथ है होता है। सो हमेशा जब भी आप कोई मशीन परचेज कर रहे हो, करेंट सिनेरियो को मत देखना, थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ रहना, आगे वाले टाइम में क्या होगा। ऐसा ना हो कि आपने 20-25 हज़ार का लैपटॉप ले लिया, मैं कह रहा हूँ 40 हज़ार का भी लैपटॉप ले लिया, एंड उसमें आप 1 साल के बाद कह रहे हो यार अब तो मेरा काम चल नहीं पा रहा है, सो वो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। एंड FL स्टूडियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही कह रहे हैं जितना आपका पावरफुल CPU होगा उतनी आप जो प्लगइन्स हैं उसको ऐड कर पाओगे, इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स, इफेक्ट प्लगइन्स उतनी आप ऐड कर पाओगे। एंड यहाँ पे जो 4GB रैम बोला है, मैं आपको मिनिमम 8GB के लिए बोलूँगा, 8GB से कम बिल्कुल भी मत जाना। 4GB का मेरा लैपटॉप था, उसमें गूगल क्रोम तक चलाते थे तो हैंग कर जाता था, ऑफिस का लैपटॉप था वो मैंने वापस कर दिया। देन उसके बाद 8GB मेरे पास आया था, मतलब वो वेरिएंट आया था जिसमें 8GB थी। सो मिनिमम आपको जो रैम चाहिए वो है 8GB, प्रोसेसर मिनिमम i5 या फिर Ryzen 5, और उसके बाद अगर स्टोरेज की बात करें सो वो डिपेंड करता है आप पे। FL स्टूडियो को 4GB चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने सारे सैम्पल पैक्स होते हैं, प्लगइन्स का डेटा होता है, वो कहाँ जाएगा। सो आपको स्टोरेज भी चाहिए होगी, वो डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक SSD जरूर लेना, जो ये 4GB का डेटा है FL स्टूडियो का, एंड जितनी भी आपकी प्लगइन्स होंगी वो आपकी SSD पे होनी चाहिए। इस लैपटॉप में भी आगे चल के मैं 2TB की एक SSD ऐड करूंगा, एंड मेरे PC में SSD है, हार्ड ड्राइव नहीं है। आई थिंक एक हार्ड ड्राइव है 1TB की जिसमें सिर्फ लाइब्रेरीज इंस्टॉल है, उसके अलावा सारी मैंने इसमें जो है SSD यूज़ करी है। FL स्टूडियो की बात कर ली है, Ableton Live की बात भी कर लेते हैं बिकॉज हम भी कहीं ना कहीं Ableton से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रोसेसर इन्होंने रिकमेंड किया है दैट इज i5 और AMD मल्टी कोर प्रोसेसर, मतलब उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए Ryzen 5, आप फिर भी मानो मिनिमम
दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो। देन उसके बाद 8GB रैम रिकमेंड करी है। 8GB मैंने भी आपको बोला था, मैं यूज़ कर रहा हूँ 32GB, इसमें 16GB है, इसमें भी 32GB करूँगा। मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ 8GB, उसके ऊपर आप 32GB तक कर सकते हो, वैसे 32GB भी मोर देन इनफ हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो डिस्प्ले का है, इतना कुछ वो नहीं है, कोई भी आप यहाँ पे डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो। नीचे आते हैं, सो यहाँ पे है अप्रॉक्सीमेटली 3GB डिस्क स्पेस ऑन द सिस्टम ड्राइव फॉर द बेसिक इंस्टॉलेशन, 8GB फ्री डिस्क स्पेस रिकमेंडेड। सो यहाँ पे 8GB की आपको जो है वो स्पेस भी चाहिए होगी, स्टोरेज भी चाहिए होगी। एंड यहाँ पे नीचे अगर आप देखो, सो जो इसका एडिशनल कंटेंट है दैट इज अराउंड 76GB। सो वो डिपेंड करता है एडिशनल कंटेंट आपको इंस्टॉल करना है, ऐड करना है या नहीं। मैंने आपको बता दिया है i5 और Ryzen 5 मिनिमम, 8GB मिनिमम रैम, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी लगा सकते हो 32GB तक। एंड स्टोरेज के लिए मिनिमम आप 240GB की एक SSD तो लगाना मिनिमम, 512 हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अच्छी खासी आपकी इंस्टॉलेशन उस पर हो जाएगी। एंड अगर उतना बजट नहीं है देन आप सेकेंडरी एक जो है उसमें हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप में या फिर अपने PC में। नाउ एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि ये जो लैपटॉप है ये तो 1 लाख के आसपास है, सो अगर आपका बजट उतना नहीं है सो आपको क्या करना है। सो आपके लिए अगर इससे कम बजट है, 70,000 के आसपास है, 75,000 के आसपास है, सो आप इसका पुराना वाला मॉडल भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। जस्ट परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया है 25% का सिर्फ प्रोसेसर में डिफरेंस है, जो इसकी बाकी सारी चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली सेम है। डिस्प्ले सेम है, इसका ग्राफिक्स कार्ड सेम है, रैम सेम है, स्टोरेज सेम है, जस्ट जो प्रोसेसर है उसका डिफरेंस है। सो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आपका उतना बजट भी नहीं है देन आप A15 की ही जो सीरीज़ है उसमें आप i5 या फिर Ryzen 5 की तरफ भी जा सकते हो। वो मुझे देखना पड़ेगा कि अभी अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज इसकी डिमांड बहुत है, लैपटॉप बहुत ज़्यादा बिक रहा है, ये काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, मतलब 2 सालों से बिक ही रहा है। एंड दिस इज़ दी आई थिंक 2022 मॉडल है, पहले इसका 20 आया था, देन 21 आया था, दिस इज़ दी आई थिंक थर्ड जनरेशन या फिर थर्ड मॉडल इसको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बिक रहा है। एंड जब मैंने यूज़ करा तो सही में काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा है, परफॉर्मेंस वाइज भी एज वेल एज। परफॉर्मेंस के बारे में मैं अभी इतना नहीं बोलूँगा, बिकॉज थोड़ा सा इसको टाइम हो जाए, 2-4 महीने हो जाए तब असली परफॉर्मेंस का पता चलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आपको बजट में चाहिए, थोड़ा सा कम भी चाहिए, तो इसी के छोटे भाई की तरफ आप जा सकते हो। मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इससे मिली होगी। अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं या फिर डाउट्स हैं, कॉमेंट सेक्शन नीचे खुला है, आप मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।